पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी का नामांकन कराने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक बात मैं राष्ट्र स्तर पर कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पहले 31.8% वोट मिले थे। 7-8 राज्यों की सरकार ने मिलकर इनकी सरकार को बनाया था, जो वायदे थे वो पूरे नहीं हुए, वादा खिलाफी की है। इस वजह से कम इनका 3-4% वोट कम होगा, यानी इस बार 28% वोट आएंगे। तो एक चीज तय है, 23 तारीख को भाजपा के नरेंद्र मोदी का जाना तय है और विकल्प के रूप में प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस का आना भी तय है। मेरा भाजपा से एक ही सवाल है, उन्होंने कहा कि आपके पास 5 साल की उपलब्धियां नहीं है, जो आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, वायदों की बात क्यों नहीं करते? आप बात करेंगे तो एयर स्ट्राइक की, जो भारतीय सेना का गौरव है, हिंदुस्तान की सेना से ज्यादा दूसरी कोई सेना दुनिया में नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वही सेना है जो 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था। राज बब्बर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुरादाबाद के सांसद सर्वे सिंह बाहुबली सांसद हैं। राहुल गांधी के 2 जगह से चुनाव लड़ने पर भाजपा की टिप्पणी पर राज बब्बर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2 जगह से चुनाव लड़ा था, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी 2 जगह से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता का रुझान है, ये चुनाव दिल्ली के लिए है, ये चुनाव विधानसभा के लिए नहीं है। कोई पूछे कि कौन से क्षेत्र की पार्टी जीत कराती है, ये चुनाव राष्ट्रीय पार्टी के लिए है, दिल्ली में सरकार किसकी बननी है उसके लिए चुनाव है। मुरादाबाद का जो वोटर है वो बहुत समझदार है और इमरान प्रतापगढ़ी एक नौजवान शायर है, एक नौजवान चेहरा है, इसको लेकर हम सब लोग बहुत आश्वस्त हैं। यहाँ के मुरादाबाद के लोग बहुत प्यार करते हैं और अपनी दुआओं के साथ उनको सांसद तक पहुँचाएंगे, लेकिन माहौल पहले भी बना था और अभी भी माहौल वही है, इमरान प्रतापगढ़ी को इसीलिए लाया गया है। जब यहाँ पर इतना अच्छा माहौल है, इमरान प्रतापगढ़ी जैसा बच्चा शायद यहाँ पर आएगा, लंबे अरसे की राजनीति करेगा, मुरादाबाद की राजनीति करेगा। वो बहुत बड़े बाहुबली हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर सकते हैं। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, हम इस तरह की बेहुदा बातें नहीं करते। सर, इसके अलावा भाजपा लगातार राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है कि जो दूसरी जगह से चुनाव जो लड़ रहा है वो जाति समीकरण के आधार पर, सिर्फ एक वर्ग को देखते हुए वोट लगा, उनको ध्यान भूल गया शायद। अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 जगह से चुनाव लड़ते थे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी 2 जगह से चुनाव लड़े थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति जो है जनता का रुझान है, ये चुनाव दिल्ली के लिए है, ये चुनाव विधानसभा का नहीं है कि कौन किस पार्टी का, क्षेत्रीय पार्टी कौन सी जीत कर सामने आती, बल्कि ये चुनाव है राष्ट्रीय सरकार के लिए कि दिल्ली में सरकार किसकी बने। और यहाँ मुरादाबाद का जो वोटर है वो बहुत ही अपने आप में मैं कहूँगा कि समझदार है, और इमरान प्रतापगढ़ी एक नौजवान शायर हैं, एक नौजवान चेहरा है, जिसको लेकर जो है हम सब बहुत आश्वस्त हैं कि यहाँ पर यहाँ के लोग, मुरादाबाद के लोग उनको बहुत प्यार करेंगे और अपनी दुआओं के साथ में उसको वहाँ सांसद में पहुँचाएंगे। सर, मुरादाबाद से आपका नाम चल रहा था पहले, उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी जी को लाया गया, तो माहौल एक तरह से बन गया था, किस क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, माहौल अभी वही माहौल तो बना, इसीलिए तो इमरान प्रतापगढ़ी को आए लाया गया है। जब देखा कि यहाँ पर इतना अच्छा माहौल है और इमरान प्रतापगढ़ी जैसा नौजवान जो बच्चा, जो शायर, अगर वो यहाँ पर आएगा तो लंबे अरसे की राजनीति करेगा और मुरादाबाद की राजनीति करेगा। कौन भैया? हाँ, उनके बारे में सुना हमने कि बहुत बड़े बाहुबली हैं और जिस तरह की वो उस तरह की बातें ही करेंगे, ना हम बंदूक की बात करते हैं ना हम किसी को डराते हैं, हम तो यहाँ पर प्यार और मोहब्बत के साथ में लोगों के बीच में खड़े होते हैं और लोगों से अपने लिए वोट मांगते हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी हमारे कांग्रेस का प्रत्याशी। सर, भाजपा लगातार जो है कांग्रेस के ऊपर हमला कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 2 ही वक्ता ऐसे हैं जो लगातार सामने बोल रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं उनको रोका जा रहा है बाकी वक्ताओं को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब बोल रहे हैं। आपने हमसे पूछा, हमने बोला कि नहीं बोला? एक बात मैं राष्ट्रीय स्तर पर कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 31.8% पे आई थी और 7-8 राज्यों ने मिलकर इस सरकार को बनाया था। हर राज्य में पहले से कमियां आ रहे हैं और जो वायदे थे ना पूरे करने की वजह से,
वायदा खिलाफी की वजह से कम इनका 3 या 4% वोट कम हो रहा है, यानी 27-28% के आसपास आएंगे। तो एक चीज़ तय है, 23 तारीख को भाजपा का नरेंद्र मोदी जी का जाना तय है और विकल्प के रूप में प्रियंका गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस का आना तय है। ये दो बातें साफ। लगातार भाजपा जो है वो कांग्रेस पर हमला कर रही है, बीफ के मामले में लगातार उसको फिर से लेकर आ रही है, भाई एयर स्ट्राइक की भी वो बीच में लेकर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? भाजपा से एक ही सवाल, क्या आपके पास 5 साल की उपलब्धियां नहीं है कोई जो आप उसकी बात करें? जो वायदे किए थे उसके बारे में बात नहीं करेंगे आप? आप बात करेंगे एयर स्ट्राइक की, जो भारतीय सेना का गौरव है, हिंदुस्तान की सेना से ज़्यादा शक्तिशाली और गौरवशाली सेना कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, ये वही सेना है जो 1971 में हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, 1962 और उसके पहले हमने पुर्तगाल से छीन के गोवा को आज़ाद कराया था, सिक्किम भारत का हिस्सा बना, और 1965 में हमने इसी सेना ने जाके लाहौर में दस्तक दी थी। 10 सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, 10 सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन सिंह जी और अटल बिहारी जी के टाइम में। फ़र्क सिर्फ इतना है, हमारे लिए देश हित बड़ा है, हम सर्जिकल स्ट्राइक को जनता के बीच में लाने का विषय नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी हित से राष्ट्रीय हित बड़ा है, इसलिए वो ले आते हैं। सर, लोकसभा सीट से मुरादाबाद से राजीव बड़ी का नाम था, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, क्या लगता है आपको? देखिए, मना नहीं किया, उनसे पार्टी ने कहा वो जाएं, वो गए हैं फतेहपुर सीकरी, आगरा से रह चुके हैं, फिरोजाबाद से रह चुके हैं, यहाँ हमारा एक दूसरा साथी आया है इमरान प्रतापगढ़ी जो राष्ट्रीय स्तर का शायर है, मुझे उम्मीद है जिगर मुरादाबाद की धरती पर उसे प्यार मोहब्बत मिलेगी। बीजेपी सांसद जो है सर्वेश कुमार जी, उन्होंने कहा है कि मेरे डर की वजह से राजीव बड़ी अध्यक्ष जी यहाँ से चले गए, क्या कहना है? उनसे तो मैं समझता हूँ महंगाई भी नहीं डरती, उनसे तो मेरे ख्याल से भाजपा में भी कोई नहीं डरता, तो कांग्रेसी को तो डरा नहीं पाई अंग्रेजी हुकूमत, ये सर्वेश जी या फिर भाजपा क्या डराएगी? सर, किस रणनीति के तहत मुरादाबाद का चुनाव होगा? एक तरफ सपा बसपा गठबंधन है और दूसरी तरफ भाजपा है, तो किस तरह से मानते हैं आप? बड़े सीधी सी बात है, ये पार्लियामेंट की लड़ाई है, राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई है, क्षेत्रीय गठबंधन अपनी जगह है, पर लड़ाई सीधी कांग्रेस बनाम बीजेपी है। तो जनता को कांग्रेस और भाजपा में एक चुनना है, मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा के विकल्प के रूप में प्रियंका गांधी जी के आने के बाद, जिनमें लोग तस्वीर देख रहे हैं इंदिरा जी की, कांग्रेस को लोग चुनेंगे।